हैं गया के बहुत ही प्रसिद्ध आजाद पार्क, एक मैदान है जहाँ पे गणपति बप्पा का आयोजन किया गया है, मतलब गणेश चतुर्थी का आयोजन किया गया है। वहाँ पे भी हम लोग पहुँचे हैं और ये देखो आप लोग पीछे भीड़ लगा है, और अभी हम पूरे इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, गणपति बप्पा का भी दर्शन करवाएंगे और यहाँ पे पास में एक प्रोग्राम हो रहा है वो भी दिखाएंगे। तो ठीक है, हमारे चैनल बने रहो, लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, जिससे कि हमारे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, फिर बने रहो वीडियो। तो ये है भाई हमारे शहर का आज़ाद पार्क, और यहाँ पे हो रहा है श्री गणेश महोत्सव। ये आप सामने बोर्ड देख सकते हो, श्री गणेश महोत्सव आजाद पार्क गया। काफी भीड़ है यहाँ पे, ये देखो कुछ सामान बिक रहा है, टॉयज वगैरह, और आज काफी भीड़ है क्योंकि कल वर्षा हो गया था। ये देखो यहाँ पे फूल प्रसाद माला एक्सेट्रा, सामने देखो जहाँ पे गणपति भगवान जो है स्थापित किया गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा पंडाल बनाया गया है, और आज काफ़ी क्राउड है भाई यहाँ पे। ये आप देखो पंडाल का एक्सटीरियर, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीरियर। देखो भाई कलर्स यानी कि लाइटनिंग कितना अच्छा सुंदर किया गया है, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइंस बनाए गए, और वहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है वो भी मैं आगे दिखाता हूँ आपको। दोस्तों अगर आप भी महाराष्ट्र के पुणे के विश्व प्रसिद्ध डड्डू गणपति का दर्शन करना चाहते हो तो आप हमारे शहर के आजाद पार्क में आ सकते हो। यह आयोजन श्री रामचरितमानस आह्वान परायण यज्ञ समिति के द्वारा चलाया जाता है, जिसके अध्यक्ष श्री राम डालमिया जी हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह आयोजन 31 अगस्त से शुरू हुआ है और आने वाले 10 दिनों तक चलेगा, यानी कि 9 सितंबर तक यह चलने वाला है, जहां पे संध्या और सुबह में आरती भी की जाती है। सो आप यहां पे जा सकते हो और आकर एंजॉय कर सकते हो, गणपति का दर्शन कर सकते हो। साथ ही यहां पे शाम में एक प्रोग्राम चलती है, जो प्रोग्राम शायद बाहर के आर्टिस्ट लोग आए हैं और वो परफॉर्म करते हैं, तो आप आके वो भी एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, सूरज भाई लाइन में लगे हैं प्रसाद के लिए, मिलेगा बैठ के फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इधर पुरुष लोग हैं, इधर महिलाएं लोग हैं, आप देखो यहाँ पे भीड़ काफी लगा है, बहुत ही ज्यादा क्राउड है आज। भगवान ने वैगति जब बड़ी को छल लिया तो क्रोध आ गया, कैसा पुत्र मेरा होता तो उसे विष पिला करके मार देता। कितनी गैया दूध दे रही है, थोड़ा सो ठाकुर जी को भोजन बना दो। हां सीधो सामान पुराने मित्र से बचपन का यार, ये देखिए कैसे कर रहे हैं, इतना छोटा थे तो हम लोग मिले थे, और आज फिर से हम लोग यहाँ पे गणपति पप्पा के पास मिले हैं, तीनों बचपन के ही यार। आज
बोल रहा बहुत दिन के बाद मिले मचा, बहुत दिन के बाद मिला रहे हैं। देखिए अपने ड्यूटी पे हम लोग को रोक रहे हैं, ऑडियंस को तो दोस्तों यह वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, जिससे कि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फिर, जय हिंद जय भारत।